गो। फिर से आपके बीच हम आ चुके हैं और इस बार भागलपुर के अंदर इतना अच्छा फुटबॉल का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन के अध्यक्ष उदय प्रताप जी से हम बात करेंगे। ये राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट भागलपुर। उदय प्रताप जी, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गीवर की तरफ से। और मैं जानना चाहूँगा, कैसे आपके मन में विचार आया भागलपुर जैसी कस्बे में और इतना बड़ा आयोजन? देखिए, भागलपुर में काफ़ी ऊर्जा है और यहाँ का बच्चा खेल के प्रति समर्पित है। और भागलपुर में शुरू से ही मैं बचपन से देखता आया हूँ कि यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल तमाम प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। पिछले वर्ष हमारे कुछ साथियों के मन में आया कि यहाँ एक फुटबॉल प्रतियोगिता राज्य स्तरीय स्तर का कराया जाएगा, तो पिछली बार भी बड़े ही धूमधाम से सफल हुआ और इस बार थोड़ा सा उसको और बड़ा रूप दिया गया और बड़ा अच्छा। हर एक बच्चे का सहयोग, और सबसे बड़ा सहयोग इसमें हमारे स्पोर्ट्स ड्रीमर के जो निदेशक हैं आदरणीय दिनेश सक्सेना जी, उनका भी रहा है, पिछली बार भी रहा। उन्होंने हमारे टीम के लिए जो रनर होंगे, विनर होंगे, उनके लिए उन्होंने जो है ट्रॉफी भेजा है और कुछ किट्स भी भेजा है, मैं उनका आभारी हूँ। और यहाँ जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, यहाँ किसी न किसी के मार्फत दिए जाते हैं। हमारे एक शुभचिंतक हैं, इस मैच के मेंबर भी हैं, डॉक्टर शमी अख्तर खान साहब, उन्होंने यहाँ के फाइनल मैच के लिए जो मैन ऑफ द सीरीज है उसके लिए भी उन्होंने कप का इंतजाम किया है। यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग भी इस फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अपना रात दिन एक किए हैं, सहयोग किए हैं। हमारी कमेटी ने इसके लिए बड़ा समर्पण भाव से काम किया है, सभी कमेटी ने अपना तन मन धन दिया है, इस वजह से ये कार्यक्रम मेरा सफल हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि मैं देख रहा था कल के मैच में, कल उद्घाटन का मैच था और इतना उत्साह भागलपुर के बच्चों के बीच में इस प्रतियोगिता को लेकर है, तो क्या कुछ विशेष किया गया है इसके लिए? जी हाँ, यहाँ खेल प्रतियोगिता को शुरू कराने से पहले एक एक बिंदु पर कब क्या होगा इसकी पूरी रणनीति तैयार थी, जिसमें आप सभी भी का सहयोग बड़ा ही सुखद रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्या कुछ संदेश, जैसे ये तो भागलपुर में आपने इसको कराया है और हम अपनी तरफ से ये करते हैं कि भागलपुर के जो बच्चे हैं आपके माध्यम से और यहाँ की जनता के माध्यम से और जहाँ जो जिन लोगों ने सहयोग किया है इस आयोजन में, उनके इस प्रयास के माध्यम से भागलपुर ही नहीं पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन करें, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये भागलपुर के बच्चों के लिए यहाँ क्या कुछ प्रबंध भी किए गए हैं फुटबॉल को लगातार यहाँ खेलने के लिए इस मैदान में? जी जी, यहाँ जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं बच्चों को फुटबॉल किट वगैरह भी उपलब्ध कराती रहती हैं समय समय से, और हम सबका ये प्रयास है कि जो भी युवा उभर करके आएगा उसका हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, ताकि हमारे इस क्षेत्र का नाम, गांव का नाम देश स्तर पर रोशन होता रहे, अच्छा फुटबॉलर निकले, अच्छा क्रिकेटर निकले, अच्छा खिलाड़ी निकले, यह हम सबका प्रयास है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे हम देखते हैं, जैसे भागलपुर कस्बे में मैंने देखा कि खेल के प्रति बच्चों के बीच में इतना उत्साह, शहर के बच्चों को भी कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि मोबाइल छोड़कर, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है खेल, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो शहरों में रहते हैं और आजकल मोबाइल प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो मोबाइल प्रेम छोड़कर खेल से जुड़े, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे देश के बच्चों को? जी, हम तो चाहेंगे कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए भी व्यायाम करे, और व्यायाम के लिए सबसे बेहतर तरीका है खेल। खेल में पूरे शरीर का बॉडी जो है अपने आप घूमता रहता है और रक्त का संचार होता रहता है। चूंकि अब हमारे यहाँ ये हो गया है, चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाका भी हो थोड़ा बहुत, कि बच्चा पैदा हो और डीएम हो जाए, तो सब लोग उसको चाहते हैं कि अधिक से अधिक उसको हम अब नेट की दुनिया में भिड़ा दें, कोई उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता है। तो मैं चाहूँगा कि हर माता पिता शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसको व्यायाम, खेल का भी मौका दे। अभी हमारे साथ इस आयोजन समिति के अध्यक्ष उदय प्रताप जी थे और आपने देखा कि किस
सरकार पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत उनकी तरफ से की गई है, और स्पोर्ट्स ड्रीमर की तरफ से भी मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इतने अच्छे आयोजन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।